और कहते हैं सेफ स्टॉक कहीं कहीं से मेरे पास आ गया। सेफ स्टॉक में मैंने केवल 6 महीने काम करा था और 6 महीने के बाद 20 फरवरी 2020 को इसी जगह पे इसी होटल में मेरा ब्रोच का लेवल कंप्लीट हुआ था। जो मैं कस्टम यहाँ पे आया था, आज दूसरी बार यहाँ पे आया हूँ और करीब ब्रोच के लेवल के 10 दिन बाद ही मेरा एक्सीडेंट हुआ 27 तारीख को। 27 तारीख 2020 के बाद करीब 6 महीने मैंने कुछ भी नहीं करा, केवल रेस्ट कराए, जिसको आराम कहते हैं। कहते हैं टीम बहुत पावरफुल होती है, पर मेरी कोई अलग कोई टीम नहीं थी, फिर भी मुझे मैं कहता हूँ लोग बागों में जो सेफ स्टॉक में उन्होंने इतना पैसा डोनेट करा है कि करीब पूरा इलाज मेरा सेफ स्टॉक की वजह से हुआ है, करीब 7.5 लाख रुपए। हर आदमी ये बोलता है यहाँ पे डायमंड होना जरूरी है, मैं ये कहता हूँ मैं अभी सिल्वर भी नहीं बना था, उससे पहले ही मैंने यहाँ पे करीब 7.5 लाख रुपए कमाए थे सिर्फ डोनेशन के तौर पर, जिससे मेरा इलाज हुआ है और अभी मेरी बहन की शादी हुई है, दोनों काम उसकी बदौलत हुए हैं। और आगे ये है कि मैं उसके बाद सिल्वर बना था करीब 1 अक्टूबर 2020 को, 6 महीने बाद सिल्वर बन गया था। उसके बाद से मैं काम कर रहा हूँ, जब से मैं सिल्वर बना हूँ जितना मुझसे होता मैं करता हूँ। अभी मैं एक ही बात कहता हूँ जितने भी लोग हैं मेरी टीम में कि अगर किसी को जरूरत पड़ती है मेरी नहीं चल सकता आज तक का, पर अगर वो रिस्क लेना चाहे मुझको ले जाके उठा के बिठा के तो जहाँ वो कहेंगे वहाँ मैं जाने को तैयार हूँ, प्लान को लग के लेंगे आज भी। अगर वो और महेंद्र शर्मा जी दोनों उस समय वहां ना होते तो शायद मैं आज यहाँ ना बोल रहा होता, क्योंकि दोनों पैर कटने के बाद करीब 18 बोतल खून चढ़ा था मेरे शरीर में। अगर उस समय मुझे वो नहीं मिलता और दोनों वहां नहीं होते तो मेरा बचना मुश्किल था, पर उन दोनों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। कि वो कहते हैं कि पिता नहीं है वो कोई बात नहीं, क्या कर सकते, पर भगवान ने मुझे मनोज सर के रूप में पिता दे रखा है, अगर कोई चीज कमी पड़ती है तो मैं इनसे कहता हूँ। मेरी बहन की शादी का खर्च भी उन्होंने अपने ऊपर लेके उठाया कि आप तो करो मैं आपके साथ हूँ, जहाँ जरूरत पड़ी मैं बताऊंगा, जरूरत पड़ी उन्होंने साथ भी दिया। आज टीम को नहीं जरूरत पड़ती है, मेरी जरूरत पड़ती है मैं वहाँ मौजूद रहूँगा, चाहे किसी भी कंडीशन में रही। अपलाइन सभी बढ़िया है, कोई बुरा नहीं होता, अपना नजरिया देखना है। कोई कहता साथ आएगा तो मैं काम करूंगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर तुम सिल्वर बनने के बाद भी अपलाइन के ऊपर बैठे हो तो जिंदगी भर बैठे रहना, कोई जरूरी नहीं है, जो भी करना खुद ही करना है। अपलाइन ने सिखा दिया, बहुत बड़ी बात है। हर आदमी ये चाहता है कि 5 प्लान कर और उसके बाद तुम फ्री हो, पर अगर कोई तुम्हें फिर भी साथ लेकर चल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो और आदमी 5 प्लान करवाता भैया तू उससे एक ना फिर बिजनेस फ्री होगा, और मेरा तो मानना यही है मेरे केवल 5 प्लान हुए थे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे 6 महीनों में जितनी भी जॉइनिंग लगवाई थी जितने भी प्लान करे थे, आज एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ज्वाइन है। हर आदमी ज्वाइन है, वो चाहे काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, हर आदमी ज्वाइन है। हर आदमी ने 11-12 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं मेरे लिए, चाहे उसने कुछ भी सोच के कराओ पर करा है, तो मेरे प्लान ज्यादा नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात, केवल मैंने अपने टीम में 2 ही लोग ज्वाइन करवाए थे, एक देवानंद गोचर, एक संदीप सत कुमार, उन 2 लोगों की वजह से मैं क्या बन गया मुझे खुद नहीं पता, पर आने वाले दिवाली से पहले पहले शायद मेरा प्लैटिनम पूरा हो सकता है। क्योंकि सिल्वर में 1 अक्टूबर 2020 को बन चुका था, कोरोना की वजह से प्रोग्राम नहीं हो रहे थे, मौका ही नहीं मिला कि वहाँ पहुंचे। आज बड़ी मुस्तक ने बोला कि चलना पड़ेगा, बढ़िया दो दो आपके वो हो रहे हैं तो अच्छी बात, तो मैंने करा सब कुछ, कैसे भी मुझसे हो सकता।